दिखाई दे रही तस्वीरें हैं फरीदाबाद के हनुमानगढ़ की, जहां एक युवक ने चाकू से गोद कर अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक जीतू नशे का आदि था, लेकिन बीती रात इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। मृतक वीर सिंह फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स से रिटायर्ड थे और उनकी पत्नी चंपा देवी हाउस वाइफ थी। आरोपी जीतू की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है और वह ऑटो ड्राइवर का काम करता है। हत्या के बाद से ही आरोपी जीतू फरार है। दुख हो रहा है कि ताऊ ताऊ ही हमारे नहीं रहे, और इसका जैसा कि भैया ने जो वारदात करी है उसकी वजह से काफी गंभीरता है हमारे घर में। तो वारदातों का कारण कुछ पता लगा? वारदातों का कारण अभी हमें ऐसा कुछ पता चला नहीं है कि, क्योंकि मौके वारदात पे जो कैंची मिली थी एक वो मिली है जो पुलिस को मिली है, बाकी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा हुआ है। बाकी हमारे पिताजी और ताऊ जी हैं जो बड़े, वो सब उनके हॉस्पिटल में ही हैं वहाँ पे। जिस तरह से आस पड़ोस में बताया जा रहा है कि इकलौता लड़का था, प्रॉपर्टी की भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं थी, तो क्या वजह रही होगी? पैसों के लिए, अगर पैसों के मामले फैमिली के मामले में देखा जाए तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल खुशमंगल था वो पैसों वैसे के लिए, क्योंकि हमारे जो ताऊ जी है वो भी MCF से रिटायर थे, उनकी पेंशन भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, प्लस वो भी खुद भी कमा रहा था। तो ऐसी क्या वजह रही होगी? नशा का हम कह सकते हैं कि हमें लोगों से पता चलता है, ताऊ जी बताते हैं दारू वारू पीता है, नशा वशा पीता है, स्मैक वगैरह भी देता है जैसे लोगों ने बताया, क्योंकि अधिकतर वो लोगों से दूर ही रहता था। तो लटका है कि इसका विरोध करना ही कहीं मौत का कारण होगा। अब कह सकते हैं इस बात को भी, सजा तो उसको मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी जितनी हो सके। आप प्रशासन है, आपके द्वारा मिल जाए, जितनी जल्दी वो पकड़ा जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई जैसे कि आज जो हो रही है उसके हिसाब से तो अभी तो हम संतुष्ट हैं, बाकी जितनी जल्दी वो एक्शन ले। क्या वो मारने के बाद में फरार हो गया या पकड़ा गया? फरार हुआ है वो, भागा वो, तुरंत भाग गया था यहाँ से। जैसा कि किराएदारों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपने हत्याकांड करने के बाद वो तुरंत भाग गया था। लेकिन जैसे किराएदार भी हैं, क्या किराएदारों ने कुछ सुना नहीं, क्या किराएदारों ने कुछ बचाया नहीं? एक्चुअली ऐसा तो हम इस, क्योंकि मौके वारदात में हम भी नहीं थे तो हम इसके बारे में कुछ टिप्पणी दे नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता चला है कि ताऊ और ताई के अंदर उन्होंने कपड़ा ठूस रखा था और दोनों दरवाजों को बंद कर लिया था, तब उसने मौके को अंजाम दिया था उस चीज़ को। यह हमें सबको सुबह पता पड़ा जी, सुबह हमारे पास फोन आए तो जब हम आए तो हमसे पहले डेड बॉडी को ले गए पुलिस वाले। क्या पता लगा था? हमको पता पड़ा कि उन लड़के ने मार दिए। तो क्या पता लगा कारणों का कि क्यों मारे? ये नहीं पता। तो क्या यहाँ जो है, यहाँ जो सुनने में आई है वे हम बता रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं? प्रॉपर्टी कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी उनको भतेरी कोई कमी, अकेला लड़का था, कोई हिस्सेदार थोड़ी था। तो जो है क्या नाम है, मारने का कारण उनकी पत्नी जो है उनके छोड़ के गई? नहीं नहीं, उनका कोई राग नहीं था, वे राजी रिश्ता था अपना, अलग अलग हुए थे, कोई घर में कोई लड़ाई नहीं थी। लड़के की उम्र भी 40 साल बता दी, उनकी 60-70 बताई जा रही है। तो शादी की हालात है, क्या कुछ पता होगा कि कोई क्या कलेश चल रहा था पहले? नहीं, पहले ऐसा कोई कलेश नहीं था। पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घर में छोटी तू तू मैं जरूर होती है, बाकी ऐसा कोई लंबा राग कोई नहीं था। तो क्या पता किस चीज से मारा उनको? जो सुनने में आ रही है वे कैंची का बता रहे हैं। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, हालांकि अब तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये एक बुजुर्ग दंपति है जो गली नंबर 5 हनुमान नगर में अपने मकान में रह रहे हैं, पलवल के रहने वाले पीछे से, और इनका बेटा करीब 38 से 40 साल उम्र है, उसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसने अपनी मम्मी पापा की कल करीब 2 से 3 बजे के बीच में रात को लोहे की कैंची गले वगैरह में घोप कर हत्या कर दी। तो क्या कुछ पता लगा कि मारने का कारण क्या रहा? और हमें जो जानकारी मिली है कि कोई क्या नाम है प्रॉपर्टी जो है क्या है मामला है? नहीं नहीं, अभी मामला विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हमारी टीमें उसको ढूंढने में लगी हुई है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही मामला सामने आएगा कि क्या वजह। उस मकान में किराएदार भी काफी है देखने को मिला, क्या उन किराएदारों को कुछ पता नहीं लगा था, क्या उन्होंने बचाने की या किसी प्रकार की कोई कोशिश की? ये मामला करीब रात को 2 बजे का है, गर्मी की वजह से लोग पंखे या कूलर वगैरह चलाकर घरों में सोते हैं, तो पता करने पर यही मालूम हुआ कि उन तक किसी तरीके की कोई आवाज वगैरह नहीं गई। कोई पत्नी से भी झगड़ा चल रहा था क्या, पत्नी को लेकर कोई बात अगर जानकारी में आई? पत्नी को लेकर अभी तक तो ये संज्ञान में आया है कि
उसकी शादी करीब 10-12 साल पहले हुई थी और वो किसी पारिवारिक विवाद के कारण यहाँ से इनको छोड़ के जा चुके। ये हत्या जो है क्या नाम है, किस चीज से की गई थी और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये हत्या अपना लोहे की कैंची गले में और शरीर के अन्य पार्ट्स में घोप कर की गई है, जिससे उनका ज्यादा ब्लड निकलने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही है, हमारे सीपी साहब ने टीमें गठित कर दी है और जल्द से जल्द सीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले का खुलासा आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हो पाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को हिरासत में लेती है और हत्या के कारणों से कब तक पर्दा उठाती है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।